हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे ही आपको पता चलता है आप माँ बनने वाली हैं, वैसे ही आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा पेट में पल रहे बच्चे के बारे में सोचना शुरू कर देती हैं, क्योंकि इस समय आपको अपने बच्चे के बारे में अधिक ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे आपके बच्चे का अच्छे से विकास हो सके। लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी कुछ आदतें आपके बच्चे को कितना दुखी करती हैं? जी हाँ, कुछ बातें हैं और कुछ आदतें हैं जो आपके बच्चे को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती हैं। आपको ये जानकर आज आश्चर्य भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तेज रोशनी। अपने शिशु के साथ संबंध बनाने का यह एक आसान तरीका होता है। शायद आपको पता होगा कि भले ही गर्भ में शिशु की आंखें बंद होती हैं, लेकिन बाहर जब आप पेट के ऊपर रोशनी डालती हैं तो वे उसे महसूस कर सकती हैं। जिस प्रकार आप आंख बंद करके सूर्य की रोशनी को महसूस कर सकती हैं, ठीक उसी प्रकार बच्चे भी करते हैं। हालांकि ज़्यादा तेज़ रोशनी से वो परेशान हो जाते हैं, खास करके जब भी सो रहे होते हैं तो वे जग जाते हैं। तब वे रोशनी के साथ खेलते हैं और उसे पकड़ने के लिए इधर उधर हिलते डुलते हैं, लेकिन ज़्यादा तेज़ रोशनी उनको परेशान कर सकती है। इसलिए अगर आप धूप में बाहर भी निकलें तो अपने पेट को कपड़े से ढक लें। कुल मिलाकर के हल्की फुल्की रोशनी हो तो उन्हें अच्छा लगता है। तेज़ आवाज़। गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में बच्चा बाहर आने वाली आवाज़ों को जैसे धुन और शोर शराबे को सुन सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसे इन आवाज़ों से पैदा होने वाले बाहर के माहौल में सामंजस्य बिठाने में भी मदद मिलती है। कई गर्भवती महिलाओं ने तो महसूस किया है कि उनके आसपास अगर संगीत बजता है तो उन्हें अंदर हलचल कुछ ज़्यादा ही होती है। जब आप बोलती हैं तो आपकी आवाज़ उनके पूरे शरीर में कंपन ला देती है। अध्ययनों में सामने आया है कि जब आप बोलती हैं तो बच्चे की दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। मतलब जब आप बोलती हैं तो बच्चा और भी ज़्यादा सतर्क हो जाता है और आपकी बातों को सुनता है। इससे होता क्या है कि आपके और आपके बच्चे की बॉन्डिंग भी अच्छी बनती है। माँ का दुखी होना। जब आप किसी कारणवश दुखी या तनाव में होती हैं तो ये भी आपके बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं होता है और वो भी तनाव में आ जाता है। ऐसे आप यदि लंबे समय तक तनाव या नकारात्मक या चिंता से ग्रस्त रहती हैं तो यह आपके बच्चे के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। इसका कारण यह है कि जब आप परेशान होती हैं तो हार्मोन जारी होते हैं, वह तरल पदार्थ के माध्यम से आपके बच्चे तक पहुँचते हैं और उसे नुकसान पहुँचाते हैं। तीखा भोजन। आप जो कुछ भी खाती हैं उसका स्वाद आपका बच्चा भी लेता है, क्योंकि गर्भावस्था के प्रारंभिक दौर में स्वाद की भावना विकसित होती है। आप जो कुछ भी खाती हैं वह शिशु को एमनियोटिक रूट के जरिए पहुंचता है। अगर आप बहुत ज़्यादा तीखा भोजन खाती हैं या बहुत ज़्यादा फास्ट फूड या तेल मिर्च मसालेदार खाती हैं तो ये आपके बच्चे को नुकसान पहुँचा सकता है। इसलिए इन दिनों में बहुत ही कम हिसाब के साथ तेल मसालेदार चीज़ें खाएँ। ज़्यादा ज़ोर से हंसना। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपके सामान्य से ज़्यादा तेज़ हंसने से आपका पेट ऊपर नीचे होता है, जिससे बच्चा भी ऊपर नीचे उछलने लगता है, जो उसे पसंद नहीं है। ऐसा होने से बच्चे कई बार गर्भ में रोने भी लगते हैं। एक समय के बाद जब बच्चे का आकार बढ़ जाता है तो उसे गर्भ में जगह कम पड़ जाती है, तब वह जगह बनाने के लिए इधर उधर पैर मारता है। आपके सोते समय करवट बदलने से बच्चे को अपनी जगह बदलनी पड़ सकती है। इसलिए बहुत तेज़ी से ना हंसें, नॉर्मल हंसें। तो आपको थोड़ी अजीब और अटपटी सी बातें लग रही होंगी, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है। ये बिल्कुल डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।